वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकपीडिया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज बात करेंगे लखनऊ के आईपीएल प्रेडिक्शन की। इस बार लखनऊ के नवाब क्या मचाएंगे धमाल? टाइटन मैंने इस टीम को दिया है फंटर की टीम, ऐसा मैंने क्यों बोला है करेंगे इस वीडियो में सारी बात। वैसे इस टीम से गौतम गंभीर जा चुके हैं, तो गौतम गंभीर के जाने के बाद क्या ये टीम उतनी गंभीर है कि आपका अट्रैक्शन ले सके? सारी बात करेंगे फटाफट से, बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे, करते हैं इसके स्क्वाड एनालिसिस की बात। तो केएल राहुल फोटो में पहली कह रहे हैं भैया कि मैं किसी की नहीं सुनता। ठीक है, कई बार एंड से खड़ा होता हूँ, मैच को चुदवा देता हूँ, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूँ मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। ऑल दो मैं बताऊँ आपको, केएल राहुल से ज़्यादा स्टाइलिश और एलिगेंट प्लेयर बहुत कम देखे मैंने यार। और ये बंदा अगर ये चीज़ छोड़ दे कि मेरे को ही सारी जिम्मेदारी निभानी है, मैच खत्म करना है ना, तो ये शायद दो ओवर पहले मैच खत्म करके आ भी जाएगा। बट समटाइम दिमाग में फकडप रहता है, ऐसा लगता है मेरे को, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि बस मुझे ही गेम खत्म करके आना है। अगर आपको ऐसा खेलना है तो फिर आप मिडिल ऑर्डर में खेल लो, 4 नंबर 5 नंबर पे, ताकि आप उस हिसाब से खेलो। ओपनिंग में होकर आप ऐसा नहीं खेल सकते। एबिलिटी वाइज प्लेयर में कोई कमी नहीं है, हर रेंज के शॉट मारता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे हर चीज में मारता है। अब बात करते हैं आगे, तो के राहुल हमारे हो गए, फिर देन आपको मिलेंगे डी कॉक, जो कि एक और शानदार प्लेयर है। आप जानते हैं इन्होंने तो लीग्स खेलने के लिए इंटरनेशनल से ही संन्यास ले लिया। इन्होंने बोला माशुदाय इंटरनेशनल, मैं खेलूंगा लीग, बनूंगा पैसा, घूमूंगा, लाइफ घूमूंगा और लाइफ एंजॉय करूंगा। तो बाकी प्लेयर एज ए प्लेयर शानदार है। फिर आपको मिलते हैं बड़ोनी, आयुष बड़ोनी, जो कि मेरे हिसाब से एक डिसेंट प्लेयर है। अगर कंटिन्यू में इनको रन दिया जाए नंबर 3 पे तो अच्छे प्लेयर हैं, शॉट सारे मार लेते हैं, फील्डर अच्छे हैं। फिर आपको मिलेंगे निकोलस पूरन, लास्ट ईयर तो उन्होंने बहुत बढ़िया बैटिंग करी है, एक बेंगलोर के खिलाफ एक हैदराबाद के खिलाफ, दो मैच तो मेरे को ध्यान आ रहे हैं जो उन्होंने अपने सिर्फ बल्ले से जिता के दिए हैं। तो अगर आप किसी फॉरन प्लेयर को लेते हो 8-10 करोड़ में, अगर वो 14 मैच में 4 ऐसी पारी खेल गया ना, तो उसका काम उसके पैसे वसूल, क्योंकि आपको 8 जीतने हैं और 4 उसने निकाल दिए मैच आपके बल्ले से, ऐसे आपको 4 जीतने हैं, बाकी टीम स्ट्रगल करके 4 आपको मैच निकाल दे, टीम क्वालिफाई। सो जबरदस्त प्लेयर। 5 पे हुडा, दीपक हुडा, दीपक हुडा की अच्छी और ख़राब बात दोनों बता रहा हूँ। दीपक हुडा एक अच्छे प्लेयर हैं, रोक के भी खेल लेते हैं, मार के भी खेल लेते हैं, बट इनकी जो मैंने कमी देखी, कभी भी देखना आप, ये बंदा मैच फिनिश नहीं करता। मैंने कई बार देखा है, नो डाउट गया है इसकी टीम मैच आ गई, कई बार देखा है, या एंड तक खेल गया तब भी मैच जीते नहीं है। अदरवाइज बॉलिंग कर लेते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक के एक्सपीरियंस प्लेयर हैं तो उस हिसाब से जगह इनकी टीम में बनती है। फिर आपको मिलेंगे स्टोइनिस, जो कि दुनिया में कहीं कुछ खास कर नहीं रहे, लेकिन इन्होंने लखनऊ के लिए अच्छा करा है भाई साहब पास्ट में, तो उस हिसाब से मैं इनको रखूंगा टीम के अंदर। बॉलिंग भी कर लेते हैं हल्की फुल्की, अगर जहाँ पे पिच में स्लोनेस हो, कटर्स फेंकते हैं। फिर आपको मिलेंगे कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या के भाई, एक समय इंडियन टीम तक में आ गए थे और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, काफ़ी पैशनेट हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, यूटिलिटी प्लेयर बहुत अच्छे हैं। नंबर 7 पे बहुत अच्छी वैल्यू देंगे एलएसजी को, क्योंकि एक्सपीरियंस है, डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस प्लेयर होता है ना, उसकी एक अलग ही बात होती है। अरशद खान मिलते हैं आपको, आई होप उन्हें खिलाएंगे। अरशद खान लेफ्ट आर्म के, ये मेरे ख्याल मुंबई वाले अरशद खान ही है, लेफ्ट हैंड से बैटिंग करते हैं, लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करते हैं, बॉलिंग में इनकी बॉल अंदर आती है बोल्ट की तरह, इरफान पठान की तरह, बैटिंग में अच्छे छक्के लगा लेते हैं, तो वैल्यू पिक है। फिर आपको मिलेंगे वुड, मार्क वुड, और जो मार्क वुड हैं वो एक शानदार बॉलर हैं, लास्ट ईयर भी अच्छी बॉलिंग करी थी इन्होंने, और अब इनके बारे में कोई बताना नहीं है। मोहसिन खान फिट हो गए इस बार और ये बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं, दोनों ही शानदार करते हैं। फिर आपको मिलेंगे कुल, ये आपके बिश्नोई, रवि बिश्नोई, ये भी शानदार खेल रहे हैं, आपको पता ही है। इसके अलावा कुछ प्लेयर इनके बारे में जो उतना बात नहीं करना, जैसे एशन टर्नर, मेरे को लगता है जगह इनकी बनेगी यहाँ पे, स्पिन पिचेस हैं यहाँ पे, उतना नहीं चल पाएंगे। पडिक्कल को लिया है इन्होंने, और मैं पडिक्कल को नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि पडिक्कल को खिलाऊंगा तो ओपनिंग पे या फिर कहीं भी नहीं, और ओपनिंग में जगह उनकी बन नहीं रही है। वैसे मुझे पडिक्कल T20 में उतना पसंद नहीं है। के गौतम एक और अच्छे प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं, एक्सपीरियंस हैं काफ़ी ज़्यादा, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं, हिट भी कर लेते हैं। अर्शिल कुलकर्णी एक नाम काफ़ी चर्चा में आया है, ये बंदा काफ़ी अच्छे हिट मार रहा है, क्या जगह मिलेगी देखना रहेगा हमारे को। प्रेरक मानकड़ ने भी लास्ट ईयर एक ठीक ठाक पारी खेली थी, टैलेंट दिखा है मेरे को उसके अंदर। काइल मेयर्स ने काफ़ी सारी शानदार पारी खेली लास्ट टाइम, पर स्पिनर्स करके फंस जाते हैं। डेविड विली, आईपीएल में इनका कोई काम नहीं है, यहाँ छिटेंगे अच्छी तरह, कुत्ते की तरह पिटेंगे।
शेमार जोसफ इंजर्ड हो गए हैं, बाहर हो गए हैं, अमित मिश्रा बूढ़े हो गए हैं, लेकिन अभी भी स्पिन फेंकनी उन्होंने, इम्पैक्ट प्लेयर रूल वैसा आ गया है, चार ओवर फेंक सकते हैं और अच्छे दमदार गट्स है, मतलब कहते हैं ना गांड में कूदा वो वाला स्पिनर है ये। फिर मिलेंगे आपको नवीन उलग जो कि काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, अफगानिस्तान के लिए खेल रहे हैं और इनको ये आता है कि मैच में रन कैसे नहीं देने। तो उसके बाद शिवम अभी आपको मिलते हैं जो ठीक ठाक बॉलर हैं। सिद्धार्थ को मैंने नहीं देखा, मयंक यादव, जस ठाकुर को लास्ट टाइम ने देखा है और ऑर्डिनरी बॉलर लगा मेरे, कोई खास नहीं लगा। सेम अबाउट युधवीर सिंह, अच्छी बॉडी है, तेज फेंकता है, बट मुझे लगता है कि सिर्फ अच्छी बॉडी होना तेज फेंकने काफी नहीं है इस लेवल पे, तो वो कमी मेरे को मिसिंग दिखाई दी इनके अंदर। मेरी प्रेडिक्शन देख लो इनके बारे में, मैंने पास में क्या कहा हुआ है। 23 में मैंने कहा था कि एक भुखी टीम रहेगी जो कि अपने स्टैंडर्ड से बिलो खेलेगी, गिरते पड़ते ही क्वालिफाई कर गई थी मेरे ख्याल से, गिरते पड़ते की थी शायद से भी। फिर आपको मिली है, मैंने 22 में कहा था कि ये टीम क्वालिफाई कर जाएगी और दोनों मौकों मैंने कहा था कि ये नहीं, 22 में कहा था कि ये फंडर की टीम रहेगी। इस बार मेरा क्या कहना है इन पे, देखो इनके पास बैटिंग है नंबर 9 तक, यानी कि काफ़ी डीप है, और सिक्स सीटर्स हैं सारे सारे, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बैटिंग करते हैं, वो छक्के मार सकते हैं। बॉलिंग इनके पास काफ़ी अच्छी है, वैरायटी है, क्योंकि आपको वुड मिल रहा है एक पेस बॉलर, फिर मोहसिन खान मिलता है लेफ्ट आर्म का बॉलर, फिर आपको रवि बिश्नोई मिलता है लेग स्पिनर, फिर आपको कुणाल पांडे मिलता है लेफ्ट आर्म का स्पिनर, तो मतलब काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉलर इनके पास हो गए हैं और सब, ऐसा नहीं कि कोई भी चूतिया बोल सकूँ किसी को मैं, सब अच्छे हैं। अगर दी बेस्ट नहीं है तो ठीक तो है ही। प्रेडिक्शन करता हूँ मैं इस टीम की, तो मेरे हिसाब से देखो टीम में टैलेंट तो बहुत है कि जो इनको सेमीफाइनल में पहुंचा सकता है। कैप्टनसी बहुत ही क्रूशल रहेगी, क्योंकि मेरा वैसे भी मानना है कि आईपीएल में कोई भी टीम बहुत बेकार तो होती नहीं है, कैप्टन के ऊपर अगर वो सही तरह से उस टीम को चला दे तो वो टीम अच्छी बन जाती है। पंटर फ्रेंडली ये टीम रहेगी, पंटर को पैसा देगी भाई ये टीम, इसके मैच खेलना आपका पैसा बनेगा। चौथी चीज मेरे ख्याल से क्वालिफिकेशन जो है ना इनका, वो स्मूथ नहीं होगा, अगर होगा तो स्मूथ नहीं होगा, यानी गिरते पड़ते ही ये टीम पहुंचेगी और मैं कहूंगा पहुंच सकती है, बाकी फाइनल तो आपको पता ही, हम टेलीग्राम में बताएंगे इसके बारे में। क्योंकि अभी देखो कई बार क्या होता है कि हम जो प्रेडिक्शन करते हैं वो करते हैं मेरे बनाए स्क्वाड के ऊपर, लेकिन वो डिफरेंट स्क्वाड खिला देंगे तो कोई सेंस बनेगा नहीं उस चीज़ का। बाकी गाइस ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि लिंक के थ्रू ज्वाइन करें, अगर ना कर पाए तो मुझे मेरे टेलीग्राम के यूजर नेम पे मैसेज करें, मैं आपको वहां पे लिंक शेयर करूंगा, ज्वाइन करा लूंगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ताकि आप किसी फेक चैनल में ना पहुंच जाएं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, गुड बाय एंड गुड।